कैसे हैं दोस्तों। आज हमारा गोवा में दूसरा दिन और अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठकर हम अपने बालकोनी से देखते हैं क्लासिक व्यू, जहाँ पे ये समुद्री लहरों की जो टाइड्स हैं इसका जो फ्लो है वो काफ़ी लो है, क्योंकि सुबह सुबह फ्लो लो होता है, रात को होते हुए टाइड्स हाई हो जाती हैं, तो ये बीच आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो जल्दी उठकर हम तैयार होकर थोड़ा सा कैमरे से शूट करते हैं, ये हमने कुसुम की बहुत ही क्लासिक वीडियो शूट की है। हम तैयार हुए हैं दोस्तों स्विमिंग पूल जाने के लिए, तो इसके बाद हम सीधा जाएंगे स्विमिंग पूल। यहाँ पे वीडियो शूट करने के बाद हम पहुँच जाते हैं स्विमिंग पूल के पास, जहाँ पे हम हल्का सा शावर लेने के बाद देखते हैं ये ठंडा सा स्विमिंग पूल, जिसकी हाइट 4 फीट के करीब है। ज़्यादा गहरा स्विमिंग पूल भी इन्होंने नहीं बनाया, पर आपके लिए मज़े करने के लिए बहुत ही क्लासिक स्विमिंग पूल है। इसके बाद हम किसी भी चीज़ का वेट नहीं करते हैं, शावर लेने के बाद सीधा हम इस गर्मी के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर जंप मार देते हैं और ठंडक का मज़ा लेते हैं। और कुसुम को स्विमिंग आती नहीं है, तो कुसुम पहली बार पानी के अंदर ट्राई करती है स्विमिंग करने के लिए, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसको हमने ट्यूब पकड़ाया हुआ था, तो वो सिर्फ साइकिल चला सकती थी पानी के अंदर, तो उसने साइकिल चलाई। उसके बाद हम थक चुके थे, हम सीधा चले गए थे दोस्तों ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने आनवी से थोड़ा बहुत मजाक किया, इसके साथ बातें की। उसके बाद दोस्तों हम निकल गए सीधा पंजीम मार्केट। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पंजीम मार्केट पहुंच गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं बिल्कुल अलग से व्लॉग बनाऊंगा। पंजी जो मार्केट है ये हमें चंडीगढ़ के 1922 के मार्केट की याद दिलाता है, बहुत ही सस्ता सामान और बहुत ही अच्छा सामान। उसके बाद चले जाते हैं हम सीधा बिग डैडी कसिनो, यहाँ पे हम अपने टिकट खरीद लेते हैं दोस्तों, कि पर हेड के करीब हमें 3500 की टिकट मिली थी, विद 1000 आपको कसिनो का कूपन भी मिलता है, आप कसिनो पे 1000 की गेम्स खेल सकते हैं। इसके बाद बिग डैडी कसिनो की यहाँ पे बोट आती है, जो हमें मेन बोट तक लेकर जाएगी, तो यहाँ तक हमें थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। ये छोटी सी फेरी आती है, ये फेरी आपको मेन जो कसिनो की बड़ी वाली बोट है, बिग डैडी की बोट है, वहाँ पर लेकर जाएगी। तो मैं आपको रास्ते में दिखाता हूँ कि यहाँ पर डेल्टन रॉयल, मैजेस्टिक, प्राइड, काफ़ी ज़्यादा ऐसे कसिनोज हैं जो शिप्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे अंदर गर्मी थी, तो हमने कहा यार भाई समुंदर में पहली बार आए हैं तो हम कुछ ना कुछ इसका मज़ा तो लेंगे, तो हम बैठते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शिप लगी हुई है दोस्तों, डेंटल रॉयल लगी हुई है दोस्तों, मैजेस्टिक लगी हुई है, काफ़ी ऐसी ऐसी राइड्स हैं जहाँ पे आप कैसीनो खेल सकते हो। उसके बाद आप ये कह सकते हो ये बहुत दूर लगी हुई थी, पर इसकी शेप बिल्कुल शार्क जैसी लग रही थी, जो सामने शेप आपके सामने आ रही है। इसके बाद हम सीधा बिग डैडी के पास पहुँच जाते हैं दोस्तों, ये अपने बिग डैडी के पास जो हमारी छोटी सी बोट है उसको हम साइड पर लगाते हैं, पर मेरा ध्यान हमेशा वो जो शार्क जैसी लग रही थी उस पर जा रहा था, क्योंकि इसका लुक बिल्कुल आगे से शार्क की तरह दिया हुआ है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी मेरे को। उसके बाद हम बिग डैडी के अंदर पहुंच जाते हैं दोस्तों, पर बिग डैडी में हमें ये चीज़ बाद में पता चलती है कि यहाँ पे ना शूट करना मना है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे और फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिल जाते हैं कसिनोज। कसिनोज के अंदर आप जो भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं आप उनकी वीडियोस नहीं बना सकते, तो ये मैं एंट्री की वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही मैं एंट्री की वीडियो बनाते हुए अंदर जाता हूँ, तो अंदर मुझे जो मेन सिक्योरिटी गार्ड है, मेन एडमिन है, वो मना कर देते हैं कि हम अपने स्टाफ की, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे कसिनो है, यहाँ पे वो मुझे मना करते थे कि आप यहाँ की वीडियोस नहीं बना सकते। इसके बाद सीधा जाते हैं हम टॉप फ्लोर पे, आप देख सकते हो यहाँ पे उल्टी लटकी हुई मूर्ति है दोस्तों। यहाँ पे था हमारा रेस्टोरेंट, यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड ड्रिंक्स हैं, अनलिमिटेड फूड है, वेज नॉन वेज, और आपको सामने लाइव परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती है। तो हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे, हम 6:30 बजे के करीब यहाँ पे पहुँच गए थे। ये रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे बार है, और सामने आपका खाने पीने का सामान रखा हुआ है। तो इससे पहले कि कुछ सामान स्टार्ट होता तो हम थोड़ा खाने पीने के लिए स्टार्टर स्टार्ट कर देते, कि थोड़ा बहुत हम स्टार्टर खाना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, और सामने वो एक लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी दोस्तों। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आपके पास ड्रिंक्स हैं जो आपने लेना है वो ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने एक मॉकटेल बनवाया। मॉकटेल बनवाने के बाद अभी कुछ लाइव परफॉर्मेंसेस मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा मज़ा आए। ये दोनों लाइव परफॉर्मेंस देखने के बाद हम लोग कसिनो में खेले काफ़ी देर तक। कसिनो में खेलने के बाद सुबह 4 ऑलमोस्ट हमको बज चुके थे, 4:30 बजे करीब हम बिग डैडी से निकल जाते हैं। हान भी सो चुकी थी और सारे के सारे हम थक चुके थे। यहाँ से निकल जाएंगे सीधा, वहाँ से अपनी कार उठाएंगे, होटल चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम तीसरे दिन गोवा में क्या करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं आगे थर्ड डे पे क्या होता है।